Hello everyone, and as usual, I'm going to wait for a little bit of traffic. थोड़ी सी ट्रैफिक बढ़ जाएगी तो फिर हम बातें करेंगे. और आज बड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे आप सबसे. हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आप सबको. और जब भी मुझे ऑब्वियसली बिकॉज मैं फ़ोन पर लाइव जा रही होती हूँ और मुझे कॉल आती है तो फिर मेरी मजबूरी बन जाती है कि मुझे दोबारा वो कॉल मतलब मुझे कॉल भी डिस्कनेक्ट करनी पड़ती है, लाइव भी डिस्कनेक्ट करना पड़ता है. बिकॉज मैं इस वक्त अपने घर में नहीं हूँ, दैट इज़ वाई मैं अपना जो भी मेरा जो भी डिवाइस है वो बेचारा फारिग हो जाता है इन इन द मीन टाइम. आज इज़ टमोरो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी, एंड उसकी दो रीजन्स हैं. और जनाब आप लोगों के साथ एक सवाल है और मेरा उस सवाल का जवाब मुझे आपने देना है. और वो सवाल मेरा बहुत ही सिंपल है. आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन और वो पहले तो शी वॉज़ वेरी क्वाइट. जब मैंने मतलब खामोश थी बहुत ज़्यादा ना, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत है बातें करते रहने की करते रहने की. खैर मैंने बातें शातें करके पूछा भाई कि क्या बात है, क्यों इतनी चुप हो. तो शी वॉज़ लाइक कि मेरा कम्प्लेक्शन बहुत डार्क होता जा रहा है और पहले भी था डार्क लेकिन अब तो और ज़्यादा हो गया है. तो डार्क कम्प्लेक्शन डज नॉट डिफाइन योर पर्सनैलिटी. हु यू आर, आप जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है. मैंने जब उसे समझाने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा हाँ तुम्हारा अपना रंग सफ़ेद है इसलिए तुम ये बात कर सकती हो, लेकिन जिसका रंग सफ़ेद नहीं होता उसे इस माशरे में तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है, उसे मिसहैंडल भी किया जाता है, उसके बारे में बकवास भी चलती है और हर कोई उसे प्रेशराइज भी कर रहा होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और अगर खातून हो और उसका कम्प्लेक्शन डार्क हो तो मतलब और भी ज़्यादा मसाइल होते हैं. और मतलब इवन आदमी हो तो भी व्हाट हैपन्स इज कि आप लोग मतलब इट्स जनरली स्टेटेड कि जी हाँ मतलब गहरे रंग के ऊपर बहुत जोक्स हो रहे होते हैं, यानी डार्क कलर के ऊपर. यानी ये नहीं होता कि आप माफ़ी नहीं मिलती उसको, जिस बंदे की भी कम्प्लेक्शन ज़रा डार्क हो तो माफ़ी नहीं हम लोग देते. ये हमारी मिनहसल कौम जो है ना ये बड़ी प्रॉब्लम है. तो वॉट हैव यू एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ, मैं जो मेरे पास अवेलेबल लाइट है उसको अपने करीब कर लेती हूँ. हाँ, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है रंगत के हवाले से, डार्क कम्प्लेक्शन का अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है वुड यू लाइक टू शेयर दैट. और किसी ने अभी लिखा है वाई डोंट यू स्टॉप यूजिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स. अच्छा मज़े की बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती, इसलिए आई कैन फेयरली से कि आप मुझे सुबह में भी मतलब हाँ मेकअप वगैरह की बात नहीं हो रही, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि यानी जो रंग गोरा करते हैं. सो अगर वो हो तो फिर हाथ पैर गर्दन हर चीज़ ही एक जैसी हो जाए. सो यू नीड टू यू नो बी मोर लॉजिकल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपका अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है विद डार्क कम्प्लेक्शन और विद वीटिश कम्प्लेक्शन. हालांकि मैं ये समझती हूँ कि जब इंसान को अल्लाह ताला ने जिस भी रंगत जिस भी आंखों के रंग के साथ बालों के रंग के साथ पैदा किया होता है वो बेहतरीन होता है, इसीलिए हमारा रब आपको भेजता है ना इस तरह. हाँ उसको अच्छे से कैरी करना, उसको ग्रूम करना इज़ योर राइट, आप कर सकते हो उसे बेहतर करना, लेकिन उसकी वजह से खुद को एक डिप्रेशन में ले जाना दैट इज़ रॉन्ग. अपने साथ ये ज्यादती ना करें, अपने आप को जो है इस किस्म की एक बिला वजह का एक जो ये कंपैरिजन है इसमें ना डालें. माय सजेशन, मैंने अपनी फ्रेंड को यही सजेस्ट किया, मैंने कहा देखो तुम्हारी जो जिंदगी है ना वो इससे बहुत ऊपर है, पर्सनालिटी है वो बहुत ऊपर है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर कम्प्लेक्शन. शी इज़ एन अचीवर माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी लड़की है और माशाल्लाह उसने अपनी ज़िंदगी में हमेशा बड़ा हमें टॉप किया है, ज़िंदगी को बड़ा अचीव किया है, लेकिन कम्प्लेक्शन की वजह से मैं नहीं समझती कि अब हम लोग मतलब माशरा हमारा इतना आगे बढ़ गया है हमें इन चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए. अच्छा बहुत सारा कसूर जो है ना ये जो फेयरनेस क्रीम्स हैं उनका भी है, फेयरनेस क्रीम्स ने भी हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखा है. बाहर के मुल्कों में देखा है कैसे किसी का रंग सफ़ेद हो डार्क हो दे इंडोर्स इट, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं. और एक हम लोग हैं, हम लोग बस सिर्फ ये करते हैं कि हम एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं, दैट्स ऑल वी कैन डू. सो मेरे हिसाब से जो है ना कि आपको ये इतना सा कर लेना चाहिए कि जो आपकी पर्सनैलिटी है उसे आप अपनी बातों से अपने इखलाक से बहुत बेहतर बना सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स आप ये सोचें कि आप अपने इखलाक से किसी को कैसे खुशी पहुंचा सकते हैं.
यू आर एब्सोल्यूटली राइट कि रंगत जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में से बहुत बड़ा इशू बनाया जाता है इसे, टेक्निकली के मतलब उसे अपने लिए वो बनाया जाता है. बाहर रेसिज्म है भाई, मुझे पता है, ऐसी बात नहीं है. रेसिज्म होता है कम्प्लेक्शन के ऊपर, जिस तरह यहाँ हमारे यहाँ जोक्स बनते हैं वहां जोक्स नहीं किए जाते. वहां पर फिर भी एक्सेप्टेंस है, एंडोर्समेंट है, लोग अपने कम्प्लेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं. अब ये देखें, अभी मेरे मेरे डीएम मैसेजेस के अंदर ही आ रहा है, मैडम कोई अच्छी सी क्रीम बता दे. मैं यही बात कर रही हूं, यही बात कर रही हूं कि कम्प्लेक्शन को आप अपनी, आपको ग्रूम कर सकते हैं. यू कैन लुक बेटर विद द वे अल्लाह ताला ने आपको बनाया हुआ है उसके, लेकिन उस. और अभी तो जो हालात है, हर चीज, हर इंसान प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जा रहा है, हर इंसान बोटॉक्स की तरफ जा रहा है. अनफॉर्चुनेटली ये प्लास्टिक सिंथेटिक चीजें ये इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं. आप ये जो नेचुरल फेस है, जब आप इसके अंदर बोटॉक्स के फिलर्स डलवाएंगे, यहां से स्किन लटक जाएगी बाद में, यहां से स्किन प्लास्टिक लटक जाएगा, यहां पे आपको लगेगा कि बबल्स आ गया. और आप देखें कितने भी, जितने भी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, सबका यही हाल है. अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग रह गए हैं जो नेचुरल ब्यूटी के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी सब तो सिर्फ सिंथेटिक ब्यूटी के साथ चल रहा है काम. या फिर नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि मेकअप को बैन करें, मेकअप रहने, मतलब आप मेकअप यूज करें जिसको सूट करता है, लेकिन ये नहीं कि आपके मुंह के ऊपर 4 किलो मेकअप है और जब मुंह धुलता है तो फिर उसके बाद असलियत सामने आ जाती है. और फिर हमने बड़े बड़े धोखे देखे हैं लोगों के साथ होते हुए कि मेकअप के साथ चेहरा कुछ और था और मेकअप उतरते साथ ही थिंग्स बिकेम वेरी 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 डिफरेंट. सो यानी कि मेरा सजेशन तो यही है, हमारा, अच्छा ये माशरा नहीं है, ये हम लोग हैं, आप, मैं, मेरे और आपके जैसे लोग हैं जो दरअसल इस चीज को वो करते हैं. किसी बच्चे का धूप में खेल के रंग खराब हो जाए तो हम कहते हैं हाय अल्लाह रंग खराब हो गया है, तुम काली हो गई हो, कौन देखेगा, रंग खराब हो जाएगा. तो ये दिस इज बेसिकली हम लोग हैं, हम लोग ये कॉम्प्लेक्सेस लोगों के दिमाग में, दिल में डाल देते हैं. वी मस्ट एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर. इसी तरह आई वुड ऑल्सो हेयर अटैच, इसी बात के साथ मैं अटैच कर दूंगी वो बात के कोई बहुत दुबला होता है तो उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, कोई मोटा होता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं. मतलब दिस इज रिडिकुलस. अल्लाह ने जैसे एक इंसान को बनाया है उसे, मतलब जरूरी तो नहीं कि पूरी, अब आप अल्लाह मैंने 5 उंगलियां बनाई हैं, 5ों एक बराबर तो नहीं बनाई, क्यों? इसकी वजह यह है कि हर उंगली का एक अपना पर्पज है, एक अपना मकसद है, उसको अल्लाह ताला ने आपकी मतलब जरूरत के हिसाब से बनाया. इसी तरह हर इंसान को अपनी साख का बनाया, एक से दूसरा बराबर नहीं हो सकता. सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जिस बात से हमने बात शुरू की थी, फेनिस क्रीम्स और ये जो सब चीजें हैं ये आर्टिफिशियल हैं, ये जो बोटॉक्स हैं, ये ग्लूटाथियॉन्स हैं, ये सब आर्टिफिशियल चीजें हैं और ये इंसान की जिंदगी के साथ एक खेल है, खिलवाड़ है. प्लीज कोशिश करके भी इन चीजों में ना पड़े, आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरती दी, वो सब जाया हो जाएगी. ये एक छोटा सा मैसेज था जो मैंने आज जब अपनी फ्रेंड से बातें की तो आई रियलाइज कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी की जिंदगी में, ये बहुत चेंज ला सकता है. सो मेरी तो आपको यही सजेशन है. हाँ, मतलब ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मेरा, मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मेरे अल्लाह ताला ने मुझे रंगत साफ दी. अगर मेरा रंग डार्क होता वो हो जाती, मतलब मेरी फ्रेंड का कहना था कि अगर तुम्हारा कम्प्लेक्शन डार्क होता तब तुम समझती मेरी तकलीफ क्या है या मेरी प्रॉब्लम क्या है. तो आई कैन फेयरली वेल अंडरस्टैंड हमारा जो मुआशरा है दैट बहुत ही हम तनकीद करने वाले लोग, हम प्यार करने वाले लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में बड़े मसाइल भी हैं. लोग कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हैं, लोग प्रॉब्लम्स का शिकार हैं और लोग अपने प्रॉब्लम्स अब किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते बिकॉज दे नो कोई उनके साथ सिंसेयर नहीं है. तो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, कम अज कम आज अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने किसी के रंग का मजाक नहीं उड़ाना, हमने किसी की साख्त का मजाक नहीं उड़ाना, तो जब हम ये फैसला खुद कर लेंगे ना तो आने वाली जनरेशन में से खुद ब खुद ये चीजें सारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी. इस छोटे से नोट के साथ खुश रहें, खुश रखें खुद को भी, लोगों को भी इर्द गिर्द अपने, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है दुख मनाने के, लेकिन जिंदगी बहुत छोटी है उन लोगों के लिए जो जो खुशियां बांटना चाहते हैं, और बड़ी लंबी है उन लोगों के लिए जो दुख मनाना चाहते हैं. तो आप फैसला कर लें, आपने दुख मनाना है या खुशियां बांटनी है. जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे, अपने इर्द गिर्द भी इसी तरह खुशियां बांटते रहें. खुदा हाफिज़.